नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सब भगतगण सुबह से चारधाम यात्रा की एक नई अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तथा जो भी भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन वो निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए बस आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा नीचे कमेंट में लिखना है डन हर हर महादेव। दोस्तों, आज की अपडेट यह है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो है फैसला वह आ जाना है, जो सरकार ने एक रिक्वेस्ट दी थी कि स्लॉट्स को बढ़ाने को लेकर। तो अभी तक दोस्तों कोई भी ऑफिशियल फैसला जो है वो नहीं आ पाया है, क्योंकि आज 1 तारीख है। अगर दोस्तों आज भी कोई फैसला नहीं आता है तो आपको एक सीधी मैं बात बता देता हूँ, कल की डेट में जो है कल अपनी गांधी जयंती है तथा परसों संडे है, तो ये 2 दिन आप मान के चलिए कोई फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों दिन जो है गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। तथा दोस्तों इसके बाद जो है अगर कोई फैसला आएगा तो वो 4 तारीख को ही आ पाएगा। अभी तक दोस्तों मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं पहुँची है। तथा दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उत्तराखंड के अंदर जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में भी। दोस्तों यहाँ पर यदि आप उत्तराखंड के अंदर जाते हैं, हरिद्वार से यदि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री के लिए कोई भी टैक्सी करते हैं, तो आपको मैं पहले क्लियर बता देता हूँ यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा पैसा जो है पहले ही ले लेते हैं तथा आपको बोलते हैं कि हम अपने यात्रियों को जो है दर्शन पूरे करवाते हैं। बाद में आगे जाकर जब आपको पुलिस वाले जो है चेक पोस्ट पर रोकते हैं, रोक कर दोस्तों वहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, वो वहाँ से वापसी आपको भेजते हैं तथा आपकी जो यात्रा वह पूरी नहीं हो पाती है। तो कृपया ऐसे फ्रॉड से आप बचे, बाद में ये पैसे भी आपके वापस नहीं देंगे तथा जो आपने पूरी पेमेंट कर रखी है वो भी आपको उसमें से 1 रुपया भी ये वापसी नहीं देंगे। ये आपको कहेंगे हमारी गलती नहीं है, आपके पास ई पास नहीं है, और पहले ये बोलेंगे हम आपको बिना ई पास के दर्शन करवाएंगे। तो कृपया करके ऐसे स्कैम से बचें, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरे पास 4 से 5 जो हैं भक्तों के फ़ोन आ चुके हैं, अभी मैं सुबह से जो है फ़ोन पे ही था। और साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लेट होने के कारण यह है, मेरा जो फ़ोन था वह भी टूट गया, लैपटॉप भी मेरा जो है उसकी विंडो ख़राब हो गई है, अभी विंडो करने दे रखी है। ये जो वीडियो है ये मैं आपको अपने फ़ोन से बनाकर जो है डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों यह जो अपडेट है ये आपको अच्छी लगी होगी। जो भी भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा से जुड़ी जो नई वीडियोज़ हैं वो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।